है एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकेंड यूनिट ऑफ द क्लास ट्वेल्व डेट इज सोल्यूशंस नाउ वट आर सोल्यूशंस बिफोर कमिंग ऑन टू दिस लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द टू थिंग्स आपको पता ही है कि क्लासिफिकेशन दो वे से किया जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर कैमिकल क्लासिफिकेशन भी टू तो के अंदर होता है एक तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर और एक मिक्सचर के अंदर तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस में आपको पता है क्या आते हैं एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं और मिक्सचर में आपके कौन से आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर आते हैं और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं तो आर कंपाउंड्स एंड आर मिक्सचर्स तो कंपाउंड में क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा जो एलिमेंट है वो कंबाइन होते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में बाय मास ठीक है डेफिनेट प्रपोर्शन में बाय मास फॉर एग्जाम्पल वाटर आपका कंपाउंड ले लिया हमने तो वाटर में जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन के दो पार्ट हैं और ऑक्सीजन है उसका एक पार्ट है तो वो वाटर में जो रेशियो रहती है वो वन बाय वन रेशियो एट रहती है बाय मास कि हाइड्रोजन का आपका वन और ऑक्सीजन के हो गया एट तो वन रेशियो एट बाय मास रहती है ऐसे कोई भी कंपाउंड आप लेंगे तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर मिक्स होंगे एलिमेंट्स हमारे तो उसे हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं तो यहाँ पर जो है वो केमिकल कम्बिनेशन हो रहा है लेकिन अगर आप मिक्सचर देखेंगे तो मिक्सचर में क्या होता है दो टाइप के होते हैं हमारे होमोजिनियस होते हैं और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं होमोजिनस मिक्सचर क्या होते हैं मिक्सचर हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू ऑफ द सोल्यूशन कि थ्रू ऑफ द सोल्यूशन है जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहने वाली है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सॉल्यूशन है एन का सॉल्यूशन है इसमें मैंने क्या किया एन एस लिया उसको डिजॉल्व कर दिया मैंने वाटर के अंदर तो मेरा एन एस का सॉल्यूशन बन गया अब एन एस के सॉल्यूशन में ऐसा तो नहीं है कि कि कुछ जो जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल कम होंगे मतलब सेम वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो सेम रहने वाले हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका फाइव एम का सॉल्यूशन आपने यहाँ लिया तो फाइव एम के सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल टू मॉलिक्यूल है तो यहाँ से भी जो फाइव एम का हमारा सोल्यूशन सुली, होगा उसमें भी टू मॉलिक्यूल होंगे इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म में रहने वाली है कम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहने का मतलब दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो मिक्सिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर होने वाली है मिक्सिंग बिल्कुल प्रॉपर कि आपका सॉल्ट वाटर में जो है वो बिल्कुल प्रॉपर डिजोल्व होता है ना सो यहाँ पर कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको नहीं मिलता है कि आपको एक फेस दिखाई देता है दो लेयर अलग अलग दिखाई देती है नहीं दिखाई देती तो यहाँ पर कोई भी आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई नहीं देता आपको किसमें में मिक्सचर के अंदर और जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या रहने वाली हैं सेम रहने वाली हैं एवरी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हैज़ अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है अब फॉर एग्ज़ाम्पल एनिसल डिज़ोल्व आपने कर दिया अब एनिसल डिजोल्व करा तो ऐसे तो है नहीं अगर आप यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से एनिसल का जो जो टेस्ट आपको salty है आपको सॉल्टी ज़्यादा लग रहा है यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं तो आपको सॉल्टी कम लग रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है और कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है डेट्स वो आपको जो टेस्ट है वो सिमिलर मिल रहा है चाहे आप इस पार्ट से टेस्ट करिए चाहे कुछ वॉल्यूम इस पार्ट इस से टेस्ट करिए आप अब हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर हैविंग नॉट द यूनिफॉर्म कम्पोजिशन थ्रू आउट यहाँ पर कंपोजीन यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है फॉर एग्जाम्पल सैंड को मैंने वाटर में डाला तो आपको पता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम मतलब प्रॉपर मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होती है होमोजीनस में मिक्सिंग प्रॉपर होती है और हाइड्रोजीनस में मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है बाउंड्री सेपरेशन दिखाई देता है कि आपको सैंड के पार्टिकल जो बॉटम पर सेटल होते हुए दिखाई देंगे अगर आपके ट्रांसपेरेंट बिकर है तो सैंड के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर के लेयर्स देख रहे हैं तो ऊपर आपको मोस्टली जो है कुछ पार्टिकली सैंड के आपको दिखाई देंगे वाटर के अंदर तो जैसे जैसे आप ऊपर वाला पानी निकालते जाएंगे नीचे की तरफ आप आते जाएंगे तो नीचे नीचे जो है हमारा सैंड जो है हमको ज़्यादा दिखाई देगा इसका मतलब प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो ना नहीं हुई तो हर एक जो पार्ट है उसमें जो है अमाउंट है वो डिफरेंट है जो सैंड की अमाउंट है वो डिफरेंट है मतलब जो कंपोजिशन है वो वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये हो गया आपका कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स सो नाउ डेफिनेशन ऑफ द सोल्यूशंस ये आपको बतानी जरूरी थी सोल्यूशन के डेफिनेशन से पहले दीज आर द होमोजिनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटांसेस अब सोल्यूशन में वही बात आ गई होमोजिनस मिक्सचर की जो सोल्यूशन होते हैं वो होमोजिनस मिक्सचर होते हैं और सोल्यूशन भी कौन से हम बात कर रहे हैं ट्रू सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशंस आर द होमोजिनस मिक्सर अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कंपोजिशन रिमेंस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ वही एग्जाम्पल हो गए सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज केमिकली नॉन रिएक्टिंग केमिकली नॉन नॉन रिएक्टिंग का मतलब है कम्पाउंड है तो वहाँ पर केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पर है वो क्या है केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो रही है मतलब आपस में कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल सिंपल आपने जब एनए को वाटर में डिजोल्व किया आपका ये सॉल्ट था सॉल्ट आपने लिया एन तो जब आपने इसको वाटर में डिजोल्व करा तो सिंपल डिसोसिएट हो जाएगा आइंस के अंदर एन पॉजिटिव और सी नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा तो इसने एक आयंस की फॉर्मेशन कर दी बस कोई यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करी मतलब एक सोल्यूशन बना दिया लेकिन जैसे कि आप एन ए है अगर उसको आप वाटर में डालेंगे तो वो क्या बनेगा एक कंपाउंड बन जाएगा हमारा एन ए ओ एच और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई तो यहाँ पर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन जब हम एन ए सीएल को वाटर में डाल रहे हैं तो सिंपल एन एसील का डिसोसिएशन हो रहा है एन ए पॉजिटिव और सी ए नेगेटिव के अंदर डैट मीन्स इट इज केमिकली नॉन रिएक्टिव मतलब कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ यहाँ पर बट डिसन हुआ है आइंस में ओके नाउ ना कंपोनेंट्स लूज देयर आइडेंटिटीज कंपोनेंट लूज कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटीज अब यही एग्जाम्पल है कि सोल्ट को वाटर में डाल तो सोल्ट तो आपका डिजोल्व हो गया ना प्रॉपर मतलब उसने क्या ली सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर ली है अब उसने अब सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपलर मैथड सोल्यूशन को आप सिंपल मैथड सेपरेट नहीं कर सकते जैसे कि हो गया फिल्ट्रेशन आपका अब फिल्ट्रेशन से आपको ही पता सेपरेट आप नहीं कर सकते क्योंकि जो आपको सॉल्ट जो डिजॉल्व हुए वाटर के अंदर वो फिल्टर पेपर के पोर्ट्स से पास आउट होकर नीचे आ जाएगा तो आप उसको सेपरेट सोल्ट को नहीं कर सकते हो तो सॉल्यूशन कैन बी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपलर मैथड सच इज द फिल्ट्रेशन एंड एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन दोटल नंबर ऑफ द कम्पोनेटेंट इन दोल्यूशन दे आर कैटेगराइज एज अब कितने कम्पोनेंट्स प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर उसके बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं अब जैसे कि फर्स्ट इज यूर बाइंडी सोल्यूशन सेकेंड इज योर टर्नरी सोल्यूशन थर्ड इज योर क्वार्टनरी सोल्यूशन अब बाइंडरी सोल्यूशन क्या होता है जिसमें टू कंपोनेंट्स हो वो सोल्यूशन जो सिर्फ टू कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसे आप क्या बोलते हैं बाइंडरी सोल्यूशन बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन जो आपका थ्री कंपोनेंट से बनाओ और क्वार्टी सोल्यूशन फोर कंपोनेंट से बनाओ अब जैसे कि एक कंपोनेंट हमने ऊपर क्या लिया सॉल्ट दूसरा कंपोनेंट हमने क्या लिया वाटर तो कंपोनेंट कितने हो गए टू तो इसलिए इसको क्या बोला गया बाइनरी सोल्यूशन इसी में अगर आप क्या डाल दो शुगर भी ऐड कर दो तो कंपोनेंट कितने हो गए वन टू और थ्री तो क्या बन जाएगा टर्नरी सोल्यूशन ऐसे ही आप एक कंपोनेंट और डाल दो तो कंपोनेंट्स सा टोटल फोर दैट इज नॉन एस क्वाररी बट इन दिस यूनिट वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द बाइनो सोल्यूशन हम सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए बाइनो सोल्यूशन की ही बात करेंगे नाउ ये सोल्यूशन टू कम्पोनेट्स हमने बात करी कि बाइनो सोल्यूशन में टू कम्पोनेंट्स से मिलकर बना होता है वो टू कम्पोनेंट अब होते कौन से हैं नंबर वन कौन सा होता है सॉल्यूट नंबर टू कौन सा होता है आपका सॉल्वेंट होता है ठीक है सॉल्यूट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी वो कंपोनेंट जो आपका लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे आप क्या बोलते हैं सोल्यूट बोलते हैं एंड सोल्वेंट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी उसे आप क्या बोलते हैं सोल्वेंट बोलते हैं जैसे कि सोल्ट और वाटर था सोल्ट आप लेंगे क्या लेंगे लेस क्वांटिटी के अंदर लेंगे और वाटर आप मोर क्वांटिटी के अंदर लेंगे तो